मैं खबर की कटिंग दिखा रहा हूं, ये खबर मैं बताऊं आपको आर के मिश्रा साहब, क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं इसलिए मैं आपको एक खबर बताता हूं। मैं दो अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं, एक 11 नवंबर की है, ये गुजरात का संदेश अखबार है, जिसमें बताया गया कि ड्रग्स की राजधानी गुजरात। यह खबर बहुत वाकई में गंभीर विषय है और यह खबर वाकई में सवाल खड़ा करती है। 11 नवंबर को संदेश अखबार में हेडलाइन छपी कि ड्रग की राजधानी गुजरात, और फिर उसके बाद एक और मैं कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें है गुजरात समाचार की, जिसकी खबर यह बताती है, चौथे पन्ने की यह खबर है, 5 महीने में, ध्यान से सुनिएगा, 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ गुजरात में, एक राज्य में। मिश्रा जी को प्लीज स्क्रीन पर लीजिए आप, मिश्रा जी, एक राज्य में, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एक राज्य में 5 महीने से 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, कोई मुद्दा नहीं बना, आपको हैरानी नहीं हुई? हाँ तिलक जी, मैं जवाब दूं जी। हाँ मैं कह रहा हूँ, ड्रग्स बरामद हुआ, ड्रग्स सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये सप्लाई होने से पहले ही इसको कर लिया गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी इंटेलिजेंस। अच्छा, तो मतलब आपको हैरानी नहीं हुई कि गुजरात जो है जहां पर 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ, आपको हैरानी नहीं हुई? आपने बरामद कर लिया, आपकी कामयाबी है। सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा देश है, यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन ये मतलब सरकार, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि 24,000 करोड़ का ड्रग्स कैसे पहुंचा वहां पर, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं? मैं कह रहा हूँ यह सरकार इतनी चाक चौबंद और इतनी दुरुस्त है, जो कि यहाँ पर आम आदमी मतलब पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये ड्रग्स पहुंचा कैसे करने की बात कर रहे हैं? ये ड्रग्स पहुंचा कैसे घर में सप्लाई करने की, ये शराब को घर में डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं? ये ड्रग्स कैपिटल बन गया? नेवर। गुजरात की सरकार, हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स वहां पर मिला कैसे? बरामद किया गया, सप्लाई नहीं किया गया। इस शब्द को देखिए, 55 दिनों में 245 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य मंत्री बता रहे हैं। तिलक जी मैं कह रहा हूँ एंटी सोशल एलिमेंट्स निश्चित तौर पर एक्टिव होंगे, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, तो ड्रग्स बरामद हो रहा है, यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। 2016 में नोटबंदी की और आपने कहा था कि ड्रग्स माफिया खत्म हो गए, तो फिर ये कौन है? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंसी हमारी इतनी स्ट्रांग है अभी, ओके, भाजपा मतलब ड्रग्स माफिया खत्म नहीं हुए, मानते ना? तो वो 10 ग्राम वालों को समझाइए कि ये खबर है। मैंने वो 10 ग्राम को खबर बनाते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, उनको भी बताइए कि ये गुजरात में जो ड्रग्स पकड़ी गई है वो भी खबर है, वो एक तथाकथित एक्ट्रेस है, कहती है कि आजादी भीख में मिली, लीजिए, कहती है आजादी भीख में मिली, जिसे आजादी के मायने नहीं मालूम वो कहती है आजादी भीख में मिली। भगत सिंह ने भीख में आजादी नहीं ली, सीना ठोक के फांसी के फंदे पर चढ़े, शर्म आनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए पूरे समाज में, जिसने यह कहा कि आजादी भीख में मिली। यह पटेल का अपमान है, यह गांधी का अपमान है, यह हमारे हिंदुस्तान का अपमान है, आजादी भीख में मिली, और हम उसे कहते हैं कि आइए आपको पुरस्कार देते हैं, आजादी भीख में मिली, यह आजादी भीख में नहीं मिली, इसकी निंदा सबको करनी चाहिए। मिश्रा जी निंदा करिए, पहले बोलिए हमने गलत शख्स को चुना। देखिए ऐसा है, जो भी इस तरह के शब्द या जिस तरह के वाक्य इस तरह से प्रयोग करते हैं, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ही इस चीज को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। निंदनीय बोलिए, देखिए जो सही है, भसना करता हूं मैं, निंदनीय है इस वाक्य की भसना करता हूं मैं, निश्चित तौर पर, जो कि इस तरह के शब्द नहीं उपयोग होना चाहिए, कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है। जी आपका खून नहीं खोला, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वो चैलेंज में बैठकर वो तलवारें दिखाते हैं, भड़ा दिया, टकरा दिया, लड़ा दिया, और वो राष्ट्रवाद वाले ये नहीं कहते कि इस बयान की भसना होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्ट्रेस कंगना का छज्जा टूट गया था, इसलिए पूरा का पूरा सब लोग इकट्ठे हो गए, छज्जा बड़ा टूटा। तिलक जी मैं ये कह रहा हूं कि इस बयान की निंदा आप लोग क्यों नहीं कर रहे?
देखिए तिलक जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों ने आजादी देखी तो नहीं है लेकिन इतिहास तो पढ़ा है हमने। तो उसको पढ़ाइए ना, जिसने इतिहास नहीं पढ़ा, जिसको लगता है कि आजादी भीख में मिली है, आप उसको इतिहास पढ़ाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, इस शब्द को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, इस वक्त को कोई डिफेंड नहीं कर सकता।